हाय गाइस, तो हम फॉर ईच लूप के बारे में बताने जा रहे हैं। अब आज के टॉपिक में फॉर ईच लूप बताएंगे। फॉर ईच पहले हमें एक वेरिएबल असाइन कर लेते हैं और उसका नाम एरे रख दिया। और यहाँ पर हम एरे में हमने एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3, 2 एलिमेंट। ठीक है, अब हमको क्या करना, हमको फोर ईच लूप पर वर्क करना है। तो हम एक इस एरे में फोर ईच लूप को लगा देंगे एक जो है, और यहाँ पे हम पैरामीटर ले लेंगे। यहाँ पे कोई भी एक पैरामीटर ले लेते हैं, जैसे एलिमेंट। पहले हम एलिमेंट को ही प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंसोल करके कंसोल द एलिमेंट और इसको एलिमेंट प्रिंट। ठीक, तो यहाँ हम इसको रन कराते हैं फोर नोड फोर ई फोर ईच। जैसे ही हमने इसको प्रिंट कराया, इसकी सारी वैल्यू रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू रिटर्न किया है, ठीक है, अब हम इसकी इंडेक्स को भी ले लें। तो हम इसमें एक दूसरा पैरामीटर ले लेते हैं इंडेक्स। ठीक है, अब ये इंडेक्स को भी प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम इंडेक्स को पहले ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा इजी समझने में इजी रहेगा। अब इसको सेव करके फिर इसको रन कराते हैं। ठीक है, अब ये पहली वाली लाइन में इंडेक्स प्रिंट कर दिया और बाकी ये वैल्यू प्रिंट कर दिया। हम यहाँ पे हर पैरामीटर भी ले सकते हैं। जैसे हमने ऊपर वाला ही एरे बना दिया और हमने अब इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इसको भी हम प्रिंट करा लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर एरे भी प्रिंट, ये भी वर्क कर। ठीक है, हम सिंपल सी का बात है, इसको इस तरीके से हम ना करके हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते। इसको हम एक नीचे फंक्शन भी ले सकते, फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन फंक्शन का नाम देखो एबीसी रख दिया अभी हमने समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने कंसोल कर दिया कंसोल डॉट लॉ, और इसमें कंसोल में हमने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया है डी एल ई और जस्ट लाइक प्रीवियसली दिस विल बी वर्क एंड ई एल ई एलिमेंट। अब ये एलिमेंट सारे प्रिंट हम कहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, हमने यहाँ ए बी सी इसको वर्क नहीं किया तो ये नहीं थे। अब देखो इसने सारी वैल्यू रिटर्न कर। यहाँ पे हम दूसरा पैरामीटर भी ले सकते हैं लाइक फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो हमें देखो ये दूसरा पैरामीटर ले लिया। इसको इंडेक्स हम यहाँ आगे रखते हैं क्योंकि समझने में थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, अब इसको सेव कर दिया और फिर से हमने इंडेक्स और वो प्रिंट। तो ये है एक फंक्शन की तरह, हम इसको एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। इसको यहाँ ना करके यहाँ पे भी हम फंक्शन नेम एक फंक्शन और फिर इसमें पैरामीटर दे सकते। ठीक है, और ये फिर सेम करके करेगा कंसोल डॉट लॉ एंड डिलीट मैन। देखो ये यहाँ पे ये एरर आ रहा है, एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन नेम दे, हमने यहाँ ब्रैकेट देना है और फिर इसको यहाँ पे बंद कर देना।
अब इसको हम रिटर्न कराएंगे, ठीक है। अब हमने ये रन करा दी वन टू, ये है फॉर ईच लूप। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा फॉर ईच लूप है क्या। फॉर ईच एक वैल्यू को हम एक से अधिक पैरामीटर लेके वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं।